तो भाई ये है आईफोन 13 जिसको हमने बाय किया था अभी जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल थी, और उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था इसकी अनबॉक्सिंग का, एंड जिसमें हमने इसके प्राइसिंग वगैरह की बात भी करी थी कि ये आईफोन मेरे को कितने का पड़ा था। तो चलिए आज उसमें जो हम आईफोन 13 का जो एक डिटेल में कैमरा टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि भाई जो आईफोन हम सेल वगैरह में परचेज करते हैं तो उनमें हमें कुछ ना कुछ इंटरनल इशू देखने को मिलते हैं, लाइक उनके कैमराज या फिर डिस्प्ले वगैरह में। एंड आपको बता दूं कि इस आईफोन को यूज़ करते हुए मेरे को भाई जो है 8-10 दिन हो चुके हैं, एंड इस आईफोन के साथ मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। बट चलिए आज उसमें जो हम इसका जो है डिटेल में कैमरा टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं इसकी जो कैमरा क्वालिटी भाई वो कैसे आती है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले इसके कैमरा स्पेक के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि जो आईफोन 13 है उसकी बैक साइड पे जो हमें 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वन जो है हमारा वाइड एंगल कैमरा, यानी कि जो हमारा मेन कैमरा सेंसर होता है वो हमें मिलता है 26 डायनेमिक रेंज के साथ, एंड जो सेकंड कैमरा दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का ही है और आता है 13mm फोकल लेंथ के साथ। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तो आईफोन 13 के फ्रंट में भी जो हमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा यानी कि एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो आता है 23mm फोकल लेंथ के साथ। सो चलिए सबसे पहले अब इस कर लेते हैं कैमरा टेस्ट, और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका वीडियो मोड, देखते हैं कि वीडियो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 13 है वो 4K 60fps तक जो है मैक्सिमम जो है रेजोल्यूशन तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। सो चलिए अब कुछ वीडियोज़ के सैंपल आपको पहले दिखाते हैं जो आईफोन 13 से क्लिक किए गए हैं। एंड सो चलिए अभी सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका अल्ट्रा वाइड पे, वीडियो मोड पे हमने स्विच कर दिया है एंड 4M रेट जो रखा है 4K 24fps। तो चलिए अभी एक वीडियो का शॉट लेते हैं एंड देख सकते हैं उस टाइम आपको टाइम दिखा दूंगी। तो भाई इस टाइम अराउंड जो है सनसेट होने वाला है, मतलब जो है लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसे आएंगे। सो चलिए अभी एक शॉट लेते हैं एंड और भाई ये जो वीडियो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन 13 के फ्रंट कैमरे यानी कि जिसका सेल्फी कैमरा होता है उससे रिकॉर्ड की गई है, एंड जो फ्रेम रेट है वो 4K 24fps है, एंड ऑडियो जो वो भी भाई इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की गई है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो है सनसेट होने वाला है, मतलब ये थोड़ा लो लाइट है इस टाइम पे, मतलब लाइट नहीं है, थोड़ी लो लाइट में क्वालिटी में जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि भाई लो लाइट में जो इसका फ्रंट कैमरा वो कैसा परफॉर्म कर सका। एंड आपको बता दूं कि इसके जो फ्रंट में भाई हमें सिनेमैटिक मोड, पोर्ट्रेट मोड सब कुछ ही देखने को मिल जाता है, तो उसके सैंपल आपको आगे दिखा दूंगा मैं। और भाई ये जो वीडियो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन 13 के सिनेमैटिक मोड से रिकॉर्ड की गई है, तो आप जो है इसके सिनेमैटिक मोड की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि जो आईफोन 13 है वो सिनेमैटिक मोड में सिर्फ जो है HD 1080p तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसमें हमें कोई और रेजोल्यूशन नहीं मिलता। सो और ये है इसके फ्रंट कैमरा का जो है सिनेमैटिक मोड का वीडियो सैंपल, तो आप चेक कर सकते हैं कि जो भाई फ्रंट कैमरा में है वो डिटेलिंग कैसी आती है, यानी कि जो भाई ये अच्छे से मतलब जो है ब्लर कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को जो है ब्लर कर दे रहा है, मतलब ठीक है डिटेलिंग एज डिटेक्शन वगैरह जो है वो परफेक्ट मेरे को लग रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। और ऑडियो वो भी इस टाइम पे इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की है, तो आप जो है फ्रंट कैमरा का जो सिनेमैटिक मोड है भाई उसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि लो लाइट कंडीशन है भाई ये, इतनी ज़्यादा अभी मतलब दिन में पूरा डे लाइट नहीं है, तो शाम का टाइम है। तो चलिए अब कर लेते हैं भाई आईफोन 13 का जो है पोर्ट्रेट मोड टेस्ट, एंड देखते हैं कि पोर्ट्रेट फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 13 है इसमें हमें भाई कोई भी टेलीफोटो लेंस वगैरह का फीचर देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो आईफोन 13 है इससे हम सिर्फ और सिर्फ जो 1x वाली पोर्ट्रेट फोटो होती है वही क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए कुछ पोर्ट्रेट फोटोज का सैंपल आपको दिखाते हैं।
एंड अप कर लेते हैं भाई इसका नॉर्मल फोटो मोड टेस्ट एंड देखते हैं कि नॉर्मल फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दूं कि जो आईफोन 13 है उसके नॉर्मल फोटो मोड में हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हम नॉर्मल फोटो को क्लिक कर सकते हैं, 0.5 यानी कि अल्ट्रा वाइड शॉट एंड 1x जो हमारा वाइड एंगल शॉट। सो चलिए कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। तो ये था iPhone 13 का एक कैमरा टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट आप जो है किस iPhone का जो है कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं या फिर iPhone 13 का अगर आपको किसी और iPhone के साथ कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए।